मानसून आने ही वाला है और उसके साथ ही आने वाली है शहरी बाढ़ और जल भराव जैसी समस्याएं। इस वीडियो में जो दृश्य दिख रहे हैं वो हमें देश के ज़्यादातर छोटे बड़े शहरों में दिखाई देने लगेंगे। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र जी कहते थे कि बाढ़ कोई अतिथि नहीं है, उसके आने की तिथियाँ बिल्कुल तय हैं, फिर भी बाढ़ जब आती है तो हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह बिना बताए आई हो। इसलिए बेहतर यही है कि हम समय रहते इस बार शहरी बाढ़ से बचने की तैयारी कर लें। इसके लिए हमें तीन स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है। लघुकालिक या तुरंत किए जाने वाले उपाय, मध्यमकालिक उपाय और तीसरा दीर्घकालिक उपाय। यदि हम लघुकालिक उपायों की बात करें तो हमें बरसात की तैयारी पहले से शुरू करनी होगी। मानसून की तिथियां तय होती हैं, फिर भी बरसात जब आ जाती है और जल भराव जैसी दिक्कतें होने लगती हैं तब हम काम करना शुरू करते हैं। हमें ये तैयारी बरसात से पहले करनी होगी। नालियों, सीवर लाइनों की सफाई बरसात से पहले की जानी चाहिए। MCD शहर निकायों के पास पर्याप्त मशीनें, संसाधन और टेक्निकल एक्सपर्ट होने चाहिए। गिरने वाली बारिश के पानी का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इसके आधार पर हमें अपनी प्लानिंग पहले से मजबूत कर लेनी चाहिए। जहां सीवर इत्यादि की व्यवस्था नहीं है वहां वाटर पंप इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जल भराव की स्थिति में पानी को ट्रैप्ड एरिया से निकाल कर कहीं और सीवर में छोड़ा जा सके। हमें ऐसी जगहों की पहचान बरसात से पहले कर लेनी चाहिए जहाँ जल भराव की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न होती है। ऐसी जगहों के लिए हम एक्स्ट्रा सीवर लाइन और वाटर पंप की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि हम मध्यमकालिक उपायों की चर्चा करें तो दो मुद्दों पर काम करने की ज़रूरत है। पहला, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और दूसरा, सीवर लाइनों का निर्माण एवं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगर हम वर्षा जल संचयन की बात करें तो शहरों में घरों का आकार छोटा होने के कारण घरों में वर्षा जल संचय करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सामुदायिक स्थानों जैसे कि कलेक्ट्रेट, न्यायालय क्षेत्र, बैंक, स्टेडियम, पुलिस लाइन, बड़े थानों, सहकारी तहसीलों इत्यादि में यह काम बहुत आसानी से और बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन से न सिर्फ ट्यूबवेल, समरसेबल, भूजल इत्यादि पर निर्भरता कम होगी बल्कि इससे बारिश के पानी से जल भराव जैसी स्थिति को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। वर्षा जल संचयन बड़ी रेजिडेंशियल सोसाइटीज में भी अपनाया जा सकता है। अब बात करते हैं सीवर लाइनों के निर्माण और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की। शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण जो बिना प्लानिंग के शहरों का विस्तार हुआ है उसमें सीवर लाइनों की अत्यंत कमी है। इसे तत्काल ठीक किए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा छोटे शहरों और कस्बों में STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे कि सारा गंदा पानी नदियों इत्यादि में जाकर मिल जाता है और पानी को दूषित करता है। आज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्राकृतिक विधियां भी उपलब्ध हैं। ऐसे तमाम पेड़ पौधे हैं जिनका इस्तेमाल पानी को साफ करने एवं हेवी मेटल्स को सोखने में किया जा सकता है। अब बात करते हैं दीर्घकालिक उपायों की। ये ऐसे उपाय हैं जो पूरी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को सस्टेनेबल बनाते हैं। इसके लिए हमें अपने क्षेत्रीय भौगोलिक संदर्भों के अनुसार काम करना होगा। हमें तालाब पुनर्जीवित करने होंगे जिसमें वर्षा का अतिरिक्त पानी जमा किया जा सके। हमें कुआं इत्यादि बनाने होंगे जिससे भूजल को फिर से रिचार्ज किया जा सके। पानी को बहने और जमीन में रिसने की जगह और स्वतंत्रता देनी होगी। हमें सारी की सारी जमीन को कंक्रीट से ढकने की संस्कृति बदलनी होगी। इससे शहरों में गर्मी भी बढ़ रही है और पानी भी जमीन के अंदर नहीं जा पाता। हमें शहरों की प्लानिंग प्रकृति को ध्यान में रखकर करना होगा। हमें भवन निर्माण की तकनीकी और भवन निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को बदलना होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें गांव से शहरों की तरफ होने वाले बेतहाशा पलायन को रोकना होगा। गांव में बेहतर जीवन उपलब्ध कराना होगा। यदि हम विकास की अवधारणा को गांव केंद्रित करते हैं तो इससे शहरों में भीड़ कम हो जाएगी और जल प्रबंधन जैसी चीज़ें आसान हो जाएंगी।